ये एक न्यूज कंटेंट है। इसी तरह बहुत सारे न्यूज ब्लॉगर हैं जो कि न्यूज कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं बट उनको आइडिया नहीं मिल पाता, तो इसके लिए मैंने लर्न किया है। और अगर आप एक न्यूज ब्लॉग क्रिएट किए हैं और आपका प्रॉब्लम है कि आपको कंटेंट आइडिया नहीं मिल रहा है, कंटेंट कैसे लिखना है ये प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, तो मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपका न्यूज ब्लॉग कंटेंट राइटिंग का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको कंटेंट आइडिया भी मिलेगा और आप उसको सही तरीके से लिख भी सकते हैं। 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के 39वें दिन हम बात करने वाले हैं स्टेप टू राइट न्यूज ब्लॉग कंटेंट, और यहाँ पे 10 स्टेप मैं शेयर करूंगा जो पूरा जादुई स्टेप है दोस्तों। अगर इसको फॉलो कर लिया फिर आपको किसी और का कंटेंट या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने लर्न किया है अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग एक्सपर्ट से मैंने लर्न किया ये सब चीजें, और मैं इसके बाद में रिफाइन करके इन 10 स्टेप्स को बनाया हूँ जो कि आपको कहीं पर किसी के पास नहीं मिलेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। और इस जो स्टेप मैं बताया हूँ ना ये आपको कोई बताएगा भी नहीं। मैं चलता हूँ सबसे पहले स्टेप्स पे जो कि मैंने 10 स्टेप में डिवाइड किया है। उसका जो सबसे पहला स्टेप है कि हमें न्यूज ब्लॉग कंटेंट आइडिया मिलेगा कहाँ से, तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। पहले मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूँ जो कि आज के टाइम में लोग यूज करते हैं, फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट मैजिक बताने वाला हूँ कंटेंट फाइंड करने का और कंटेंट क्रिएट करने का जो कि शायद किसी ने बताया हो, तो वीडियो को पूरा देखते रहना आप सभी। कंटेंट फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करो। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप कंटेंट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका आपका जिसका भी न्यूज साइट होगा सारे ज्यादातर मल्टी नीच न्यूज साइट होते हैं, तो पहला जो तरीका है इंटरनेट से फाइंड करना जैसे कि आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज कैसे करना है, आपको सबसे पहले अगर एंटरटेनमेंट कैटेगरी है तो आपको सारे एंटरटेनमेंट वाले जैसे कि यहाँ पे बात करें अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अमेजन प्राइम के बारे में बहुत सारे लोग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे उल्लू हो गया, ठीक है, हॉट स्टार हो गया, तो इन सबको आपको इन सबके देखना है, इन सब पे कौन सा नया एपिसोड किसका आ रहा है, यहाँ पे आपको देखना है कि नए अपडेट्स क्या है, नई चीज़ें क्या अपडेट हुई हैं, और नया जैसे उल्लू की बात करें नया सीरीज़ क्या आया है और उस पर कौन से नए वीडियोज आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है और उनको आर्टिकल बनाना है। इसी तरह प्राइम पे कोई नया वेब सीरीज आया है, नया मूवी आया है, तो उसको भी नोट डाउन करना है, उस पर वीडियो बनाना है। इसके बाद इंटरनेट का यूज करके बात करें यूट्यूब, आप सभी जानते हैं यूट्यूब में जानते हैं कि आप ट्रेलर जो मूवीज के लॉन्च होते हैं ज्यादातर लोगों को यूट्यूब के थ्रू ही पता चलते हैं, तो वहां से जाके आप ट्रेलर के बारे में कोई भोजपुरी सॉन्ग रिलीज हो रहा है, कोई बॉलीवुड सॉन्ग रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए वहां से आपको फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप जाएंगे ट्रेंडिंग सेक्शन में, ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे म्यूजिक का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे केवल ट्रेंडिंग म्यूजिक के बारे में ही बात होती है, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट होता है जिसमें भोजपुरी सिनेमा, भक्ति सिनेमा या फिर बॉलीवुड या फिर पंजाबी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके बाद यहाँ पे एक मूवी का सेक्शन होता है जिसमें आपको मूवीज ट्रेलर और ये सारे से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग चीज़ें होते हैं वो जानकारी मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको बड़े आसानी से ये जानकारी आपको मिल जाएगी इंटरनेट से। और इसी तरह अगर बात करें आप किसी भी न्यूज़ पे पॉलिटिक्स पे बात करें तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन देते मिल जाएंगे यूट्यूब पे या दूसरे सोर्सेस पे, तो वहाँ से आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएगा। और इंटरनेट का और यूज करके देखिए, इंटरनेट का यूज ऐसा है कि जो भी नीचे से आपने सेलेक्ट किया उस नीचे से जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट हैं जैसे टेक की बात करें तो जैसे हो गया आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, टेक बर्नर का हो गया, ट्रेकिंग टेक का हो गया, आप जो है वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं जैसे GSM अरीना हो गया, फोन अरीना हो गया, ठीक है, फोन रडार हो गया, इन सबको फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करें पॉलिटिक्स का तो न्यूज फॉलो कर सकते हैं और इंटरनेशनल न्यूज चैनल जैसे कि हो गया न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, उसके बाद द वायर हो गया, द प्रिंट हो गया, ये सारे जो न्यूज हैं या फिर लाइक इंडिया के जो न्यूज वेबसाइट हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके चैनल पाकिस्तान के जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी कैटेगरी का आप लिखते हैं आपको इंटरनेट पे उनके रिसोर्स ऑफिशियल रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करके वहाँ से कंटेंट आइडिया ले सकते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सभी के पास जीमेल होगा, जीमेल में एक फीचर मिलता है गूगल अलर्ट का। गूगल अलर्ट दोस्तों इतना बेस्ट फीचर है कि ये समझिए कि जो गूगल सर्च इंजन कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, लेकिन गूगल अलर्ट एक छोटा सा टूल है जो कि एक कीवर्ड डालने पे उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल गूगल पे आ रहे हैं पूरे गूगल पे वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है। मैं आपको दिखाता हूं करके, तो यहां पे जाएंगे सिंपल सा जीमेल जहां पे लॉगिन है, गूगल अलर्ट सर्च करेंगे और यहां पे सिंपल सा आप गूगल अलर्ट सेट करने के बाद आपका कोई भी टॉपिक है जैसे कि यहां पे अगर बात करते हैं हमारा टॉपिक है बॉलीवुड, तो यहां पे हमने बॉलीवुड इंटर कर दिया और यहां पे देखेंगे शो ऑप्शन का एक मेन्यू होगा, उस पर क्लिक करेंगे छोटा सा, उस पर सबसे पहले लिखा हाउ ऑफ्टन, मतलब आप न्यूज जो है कितनी बार चाहते हैं दिन में, तो यहाँ पे एट मोस्ट वंस ए डे, तो इसका मतलब है एक दिन में एक बार, या फिर एट मोस्ट वंस ए वीक यानी एक वीक में एक बार, या फिर
एज इट हैपन्स, जैसे ये न्यूज हो, यानी बॉलीवुड टर्म का अगर कहीं पे भी किसी के ब्लॉग पोस्ट में इस्तेमाल हो तो उसका हमें तुरंत जानकारी मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखेंगे सोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो से चाहते हैं, आप बुक से चाहते हैं, किसी के डिस्कशन से चाहते हैं, फिनांस से चाहते हैं, ब्लॉग से चाहते हैं, न्यूज से चाहते हैं, आप इसमें से सोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के बारे में आपको हिंदी चाहिए, चाइनीज चाहिए, आप किसी भी न्यूज टारगेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में कि बॉलीवुड के बारे में क्या बात हो रही है। उसके बाद रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इंडिया या फिर वर्ल्ड के किसी भी रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एनी रीजन का नाम होगा, तो एनी रीजन का मतलब दुनिया में कहीं पे भी अगर बॉलीवुड टर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका तुरंत आपको जानकारी मिलेगा। इसी तरह हाउ मेनी, तो यहाँ पे आप गूगल को एक फिल्टर दे सकते हैं कि गूगल की नज़र में जो बेस्ट रिजल्ट रहे, जो गूगल को लगे ये दिखाना चाहिए वो दिखाए, या फिर ऑल रिजल्ट, यानी कहीं पे भी बॉलीवुड टर्म का इस्तेमाल होगा तो ऑल रिजल्ट वो उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अलर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमने क्लिक किया क्रिएट हो गया। अब इस अलर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ईमेल भी आता है, सबसे अच्छी बात है ये ईमेल पे भी आपको अपडेट्स देता रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि पहला देखेंगे 25 तारीख, यहाँ पे आप डेट लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे न्यूज सारे आने लगे, जितने भी रिसोर्सेस होंगे बॉलीवुड जहाँ पे यूज होगा, देखिए हाईलाइटेड किया हुआ टर्म, देखिए यहाँ पे पहला है मसाला से राखी सावंत सरप्राइज चॉइस ऑफ बेस्ट बायोपिक लीव बॉलीवुड, यहाँ पे देखेंगे प्रणति चोपड़ा अनुराग चड्ढा शादी के बारे में है, मोटो जीपी, ठीक है। इसके बाद बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम प्राइज सीएम योगी फॉर मेकिंग मोटो जीपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें अभी कुछ ही समय में अपडेट हो रहे हैं इस पर, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएगा, अपने ब्लॉग के लिए लिख सकते हैं, इसमें कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला है, अब यहाँ पे हम ट्रेवल डाल देते हैं, ठीक है, हम ट्रेवल डाल देते हैं तो उसमें देखेंगे ट्रेवल से रिलेटेड सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम पॉलिटिक्स डालते हैं, देखिए पॉलिटिक्स डालते हैं तो देखेंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स या किसी और देश का पॉलिटिक्स सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेब सीरीज अगर डालते हैं, देखिए हम यहाँ पे वेब सीरीज डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे वेब सीरीज से रिलेटेड सारे मिल जाएंगे न्यूज, और इसको क्रिएट कर देंगे तो आपको ईमेल पे भी ईमेल आने लगेगा। तो यहाँ पे फाइंड सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फिल्टर सेट करके उसके हिसाब से सर्च भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने ईमेल के लिए। तो ये बेस्ट तरीका है दूसरा जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है याहू ट्रेंड की, तो यहाँ पे देखेंगे yahoo.com है जो कि एक सर्च इंजन है, आप सभी जानते होंगे, बट यहाँ पे देखेंगे ये भी कंटेंट पब्लिश करते हैं, ये भी कंटेंट इनके साइट पे भी जाता है, बट आपने शायद ही कभी याहू का इस्तेमाल किया सर्च के लिए, बट यहाँ पे भी ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टॉप 10 का एक सेक्शन बना होता है, यहाँ पे टॉप 10 ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी के हिसाब से भी ना यहाँ पे चीज़ें चुन सकते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कंटेंट आइडिया फाइंड कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं अभी इंडिया में, तो ये काफ़ी यूनिक भी है, काफ़ी लेस यूज भी है, तो आप यहाँ से भी कंटेंट आइडिया फाइंड कर सकते हैं अपने न्यूज़ ब्लॉग के लिए। अब जब आपका पहला स्टेप हो जाए, देन सेकंड स्टेप आता है कंटेंट का आउटलाइन, न्यूज़ कंटेंट आउटलाइन कैसा होता है। तो ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं, न्यूज़ कंटेंट बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो रीड नहीं करते हैं। तो आपको सिंपल सा जाना है सबसे पहले जो न्यूज़ साइट्स हैं, जो कि पॉपुलर न्यूज़ साइट्स हैं इंडिया में, जैसे हम यहाँ पे हिंदी न्यूज़ साइट सर्च करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए आज तक का ये अभी ये लेटेस्ट आर्टिकल है जो, तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने कीवर्ड्स का भी यूज किया है प्रॉपर, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका आउटलाइन आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने टाइटल सबसे पहले लिखा है, उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटेड समरी लिखा है स्टार्ट में ही दो लाइन का, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फोटो लगाया है, फोटो में उन्होंने कैप्शन भी ऐड किया है, इसके बाद फिर इन्होंने एक पैराग्राफ पूरा लिखा है इंट्रो का, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग दिया है, इन्होंने केजरीवाल जी के स्टोरी से स्क्रीनशॉट ले लिया है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दो तीन हेडिंग इंक्लूड किया है, इसके बाद देखेंगे इन्होंने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम का कंटेंट भी यहाँ पे इम्बेड किया हुआ है कई सारे लोग के अलग अलग, इसको देखेंगे तीन चार हेडिंग में ना कंटेंट को पूरा ड्राइव करके लिखा है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ कंटेंट है तो कुछ भी लिख दिया, छोटा सा लिख दिया, यहाँ पे छोटा आर्टिकल ये है ही नहीं, देखिए इमेजेस प्रॉपर सब चीज़ें हैं। तो न्यूज आर्टिकल जो आजकल ज़्यादातर लोग लिखते हैं ना कि 200-300 वर्ड का लिख के ही छोड़ देते हैं, बहुत ही गलत है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है न्यूज़ में, सर्च से भी ट्रैफिक लेना है, डिस्कवर से तो आपको मिलेगा ही। अब आप समझ सकते हैं ये छोटी न्यूज़ साइट नहीं है, ये अथॉरिटी पूरा फुल अथॉरिटी है, आज तक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो इसने इस लेवल का कंटेंट बनाया है कि ये पूरा आर्टिकल है, इसी तरीके का ही आपको बनाना है कि जिसको जितना इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो उतना दे। अब इनकी शादी का था तो देखिए इमेजेस ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इंगेजमेंट क्रिएट करता है। तो जब भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट में बनाएं तो आप हेडिंग फॉर्मेट आउटलाइन क्रिएट करें पहले, उसमें क्या क्या आप हेडिंग इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या जरूरी है। इसके बाद थर्ड स्टेप है कॉन्टेंट राइटिंग, तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग देखिए, अब आपका जब आउटलाइन क्रिएट हो जाता है तो उस कंटेंट को बहुत आसानी से भर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे देखेंगे जो कंटेंट है, जो इंडेक्स है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने कुछ आउटलाइन क्रिएट किए हुए हैं कि इनकम सोर्सेज, यूट्यूब अर्निंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक कंटेंट को भरना, उनके बारे में डिटेल भरना, आप उसको इंटरनेट से फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज किसी के बारे में नहीं पता है
तो आप उसके बारे में जानकारी इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि अच्छा न्यूज आर्टिकल कितने वर्ड का होना चाहिए। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि न्यूज आर्टिकल उस आर्टिकल की डिमांड कितनी लंबी रहने वाली है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस आर्टिकल को हमने करीब 700 से 800 वर्ड का बनाया है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ न्यूज आर्टिकल क्रिएट भी कर रहे हैं तो कम से कम 600-700 वर्ड का क्रिएट करें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि अब मीडिया फाइल। देखो मीडिया फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इंगेज बनाता है, इंगेजिंग बनाता है कंटेंट को। तो जब भी न्यूज आर्टिकल लिखें तो उसमें मीडिया फाइल जरूर ऐड करें। जैसे कि आप देखेंगे इस आर्टिकल में हमने कितना मीडिया फाइल, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हमने मीडिया फाइल ऐड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इनके इंस्टाग्राम का, उसके बाद यहाँ पे इनके यूट्यूब का, यहाँ पे इनका वीडियो भी लगाया हुआ है, यहाँ पे इनके जिम का। तो आप देखेंगे जहाँ पे जितनी ज़रूरत है सारे मीडिया फाइल्स इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग अगर आप कहीं से इम्बेड करना हो तो इंस्टाग्राम पोस्ट को, ट्विटर पोस्ट को कहीं से भी इम्बेड कर सकते हैं। फोटोज वीडियोज सबका यूज करें जहाँ पे ज़रूरत हो, क्योंकि ये बहुत इंगेजिंग होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है अनवांटेड यूज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे यूज करना है। इसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग का। देखिए इंटरनल लिंकिंग आप दो तरीके से लगा सकते हैं ब्लॉग पोस्ट में, एक रीड मोर का सेक्शन ऐड करके, ये एंकर टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं लाइक इंगेजमेंट की ज़्यादा करने के लिए, टाइम ऑन साइट इंक्रीज करने के लिए, और लोगों को आपके ब्लॉग पे ज़्यादा देर तक बनाने रहने, लोगों को आपके न्यूज़ ब्लॉग पे ज़्यादा देर तक बनाए रहने के लिए। तो देखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे हमने ऐड किया हुआ है कि यहाँ पे हमने 2-3 लिंक लगाया हुआ है कि जो भी लोग इससे इंटरेस्टेड हैं जाके इस पर क्लिक करेंगे उसकी जानकारी हासिल करेंगे। सपोज जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो लोग इस पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जाके आर्टिकल चाहें तो पढ़ सकते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग का यूज़ करना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक बहुत सारे लोग नहीं लगाते, गलती करते हैं। देखिए हम जब भी कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लिंक का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे सपोज आप नीट की एग्जाम के बारे में लिख रहे हो या फिर नीट रिजल्ट के बारे में लिख रहे हो, IIT रिजल्ट के बारे में लिख रहे हो, किसी के बारे में लिख रहे हो, तो उसके ऑफिशियल साइट का जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसी तरह किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हो तो उनके सोशल मीडिया का लिंक लगाना जरूरी है, क्योंकि एक सोशल प्रूफ हो जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है सोशल प्रूफ ऐड करना या फिर किसी अथोराइज ऑफिशियल साइट का लिंक ऐड करना। तो जिसके बारे में भी बात करें उसका सोशल प्रूफ ऐड करो, किसी अथराइज साइट के बारे में, अथराइज पर्सन के बारे में बात करो तो उसका अथराइज डिटेल जहाँ पे भी हो वहाँ से लिंक ऐड करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ऐड करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि ठीक है आपने ये आर्टिकल आपका रेडी हो जाता है इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। उसके बाद आता है कि आप टाइम आपको देना है, बहुत जल्दी नहीं करना, टाइम आपको देना है टाइटल लिखने में। टाइटल कैसी होना चाहिए, अंकुल बयानपुरिया नेटवर्थ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बनाया जोमेटो में काम करने वाला आप कमाता है लाखों रुपए इंस्टाग्राम से। तो ये एक टाइटल ऐसा है कि जिस पे लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा कि यार जोमेटो में जो बंदा काम करता था वो अब लाखों रुपए इंस्टाग्राम से कैसे कमा रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, एक अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि जानते हैं इसके बारे में कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपका टाइटल है वो ऑप्टिमाइज हो, उसमें टाइम देके लिखो। आप 2-3 लोगों का टाइटल देखो, न्यूज़ का टाइटल देखो, न्यूज़ आर्टिकल लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, दो दोस्तों ने कमरे में साथ रहकर पढ़ाई की, पहला बना पुलिस कप्तान और दूसरा बना IAS। एक ऐसा लग रहा है अब उन दोनों दोस्तों के बारे में जानना चाहेंगे ना कि इतना बड़ा पोस्ट मिल गया, दो लोग क्लास में साथ पढ़ते थे तो उनके बारे में जानकारी आप चाहेंगे। तो इस तरह के कंटेंट टाइटल जब क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिस्कवर में जो जाता है टाइटल जाता है, थंबनेल जाता है। इसके बाद आती है थंबनेल, तो आपको थंबनेल भी क्रिएट करना है कैची। इसके लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, कैनवा पे जाके आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए क्रिएट किया है क्योंकि मैं इस सब में टाइम नहीं गंवाना चाहता कि अगर आप ब्लॉगर शुरू कर रहे हैं, ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि राइटिंग कैसे करते हैं और थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लाइक हमने एक लाइक आई कैचिंग थंबनेल इस तरह से बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने ये थंबनेल बनाया हुआ है जो कि लाइक जोमेटो के साथ बंदे का ड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे वो बंदा लाइक फिजिकल फिट और सारा जिम का जो हार्ड चैलेंज था 75 डेज का उसमें है। तो ये थंबनेल कैची है, लोग इस पर क्लिक करेंगे, लोग इसको पढ़ते हैं और लोग इस तरह का थंबनेल डिमांड करते हैं। तो इसी तरह का थंबनेल होना चाहिए जो कि आपको लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जैसे कि जितने भी लोग डिस्कवर पे जितने भी लोग के डिस्कवर पे आपका आर्टिकल जाता है वो लोग ऑलरेडी उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड होते हैं। बट अब क्या है, उनके इंटरेस्ट की वजह से जो टॉपिक जा रहे हैं ना उनमें एक पिक करना होता है, किसी पे क्लिक करना होता है, जिसका सबसे बेहतर दिखता है उस पे वो क्लिक कर देते हैं। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट वाले लोगों के पास आपका कंटेंट जा रहा है, बट आपको क्या करना है उसमें जो सबसे बेहतर बनना है तभी। तो सबसे बेहतर कैसे बन सकते हैं, थंबनेल और टाइटल का यूज करके आप इन दोनों को ऑप्टिमाइज करके, इन दोनों को आई कैचिंग लिख के, आई कैचिंग बना के तभी आप बन सकते हैं। तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप न्यूज ब्लॉग के कंटेंट देखेंगे, उनके थंबनेल देखेंगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा।
और साथ में अपने डिस्कवर का भी सेक्शन स्क्रॉल करिए तो देखिए किस तरह के कंटेंट डिस्कवर में आ रहे हैं, उनका टाइटल क्या है, उनका थंबनेल कैसा है। ये सब करने के बाद अब नवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये सारी चीज़ें कर लो ना तो सब चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आप ऑडिट करो, अपने कंटेंट को ऑडिट करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे मैं फेस कर चुका हूँ खुद ही, मैंने बहुत सारे राइटर के सामने ऐसा किया है कि वो लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, हर चीज़ में गलती करते हैं। जैसे कि वो टाइटल सही से नहीं लिखेंगे, स्लग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने देखा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए इसका स्लग कितना छोटा है, कितना ऑप्टिमाइज है। बहुत सारे लोग इतना बड़ा बड़ा स्लग कर देते हैं तो वो सही नहीं है। देखिए जो बड़ी न्यूज़ साइट है उनकी बात अलग है, अगर आप एक न्यूज़ ब्लॉग क्रिएट करते हो तो आपका उनसे ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, उसको जानिए, वो डिफरेंस को जानिए। तो आपको जो है ऑप्टिमाइज आपको अपना जो है स्लैग बनाना है, परमालिंक बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको ऑडिट करना है। ब्लॉग को पब्लिश करने से पहले टाइटल एक बार चेक करिए, डेफिनेटली पब्लिश करने से पहले कोई स्पेल इरर नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ ऐसा ना हो कि जो यूज करने लायक ना हो उसको हटा दीजिए। स्पेलिंग इरर ब्लॉग कंटेंट में कोई भी नहीं होनी चाहिए, इसको चेक कर लें जहाँ पे यूज करें, स्पेलिंग सही से हो, नाउन के बारे में पता होना चाहिए, कॉमा कहाँ यूज करना है, डॉट कहाँ यूज करना है, फुल स्टॉप कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हो, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें। मीडिया फाइल एक बार चेक कर लें कि मीडिया फाइल एम्बेड है कि नहीं है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एल्ट टैग, उसका जो है कैप्शन, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। इंटरनल लिंक जो लगा है वो लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक करनी है। और दूसरी चीज़, किसी इन्फॉर्मेशन को अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने न्यूज़ ब्लॉग में तो जो बहुत ज़रूरी है कि आप फैक्ट चेक कर लें कि इन्फॉर्मेशन राइट है कि नहीं राइट है, और हो सके तो उसका सोर्स भी मेंशन करें कि आपको यहाँ से जानकारी मिली है। तो ये सब चेक करने के बाद आपका कंटेंट रेडी हो जाता है, आपका न्यूज़ ब्लॉग रेडी हो जाता है पब्लिश करने के लिए, देन आप उस न्यूज़ ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस वाली चीज़ की। तो मैंने बोनस इसलिए बताया था कि देखिए अगर आप जैसे सपोज जैसे एंटरटेनमेंट नीच लिख रहे हैं या कोई भी नीच लिख रहे हैं मल्टी नीच, सपोज मल्टी नीच आप लिख रहे हैं, राइट, आपके पे टेक भी है, आपके पे एंटरटेनमेंट भी है, पॉलिटिक्स भी है, स्पोर्ट्स भी है, ठीक है, और ऑटो भी है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 5 टेक वाले जो भी लाइक 5 टेक वाले इंस्टाग्राम पर जो सबसे पॉपुलर लोग रहे हैं उनको फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपको 5 पॉलिटिशियन को फॉलो कर लेना है, 5 टीवी एक्टर, 5 एक्टर्स को फॉलो कर लेना है, ठीक है, 5 ऑटोमोबाइल कंपनीज को पेजेस को फॉलो कर लेना है, या 5 ऑटोमोबाइल ब्लॉगर या फिर क्रिएटर को फॉलो कर लेना है, इसी तरह 5 स्पोर्ट पर्सन को फॉलो कर लेना है। बस इन्हीं से जितना भी आपको इनके जितने भी अपडेट इंस्टाग्राम पे आए ना उनके बारे में कंटेंट बनाना है। आप नंबर इनका बढ़ा सकते हैं, जैसा मैं 5 बता रहा हूँ कि 5 इनिशियल लेवल पे, फिर आप नंबर बढ़ा सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, बस इनसे स्टार्ट करिए। क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा, आप कंटेंट नहीं बना पाएंगे। इनको फॉलो करके इसके बाद कंटेंट क्रिएट करना शुरू करिए, जो भी अपडेट आए इनके इंस्टाग्राम पे उस पर एक पोस्ट बनाइए, कंटेंट क्रिएट करिए, आप देखिए आपका न्यूज़ चैनल कितना पॉपुलर हो जाएगा, आपका न्यूज़ वेबसाइट कितना पॉपुलर हो जाएगा कुछ दिन में। इस नियम को फॉलो करेंगे 1 से 2 महीने तो आपको रिजल्ट बिल्कुल यूनिक दिखेगा,